पूरे भारतवर्ष में कितनी शैक्षणिक संस्था है उसका एक फेडरेशन हम लोगों ने बनाया है। सब लोगों को आश्चर्य होगा यह सुनकर कि 2500 शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण जैन समाज ने पिछले 150 साल में किया है और आज भी ये स्कूल चला रहे हैं। पॉइंटेड क्वेश्चन ये था कि क्या आज की तारीख में भी लगता है आपको कि जैन समाज में शैक्षणिक सुधार की आवश्यकता है? नहीं, जैन समाज में शैक्षणिक सुधार की आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन जैन समाज ने दूसरे के लिए 2500 इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, लेकिन जैन समाज के बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे। उसमें 1% 0.5% भी बच्चे जैन समाज के नहीं हैं, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने एज अ चैरिटी शुरू किए हैं और अपने बच्चे स्वाभाविक है क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में सब लोग डालते हैं, और क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में जैन समाज की इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन पिछले 25 साल में जैन समाज में एजुकेशन का अवेयरनेस काफ़ी आ चुका है। हमारे बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी अभी टोटली इच्छा रही है सब तरफ, और सब तरफ हम हमारे बच्चों को भी ज़्यादा एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, और यह सिलसिला यहाँ से आगे और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और उसमें दो कारण होते हैं जी। जैन कम्युनिटी इज बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, और एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी में एजुकेशन एकदम टॉप में होता है ऐसा दिखाई नहीं देता है। मे बी हमारे चिल्ड्रन सबसे ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे, टॉप में नहीं जाते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी पढ़ने से उनके एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप होते हैं और उससे वो अपना व्यवसाय बिजनेस का मॉड्यूल चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर आपने बताया कि बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सेगमेंट होता है कि जहाँ जाकर अपने नाम एक बना देते हैं, सोसाइटी में एक अपना स्थान भी जमा देते, क्योंकि ये जैन कम्युनिटी में मेहनत करने की बहुत बड़ी पहले से आदत है। सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कड़ी मेहनत करने वाली ये कम्युनिटी है। इसके लिए ये स्वाभाविक है जो भी फील्ड में ये कम्युनिटी का बच्चा जाएगा, आदमी जाएगा, वहाँ वो चमकेगा ही, वहाँ वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका पहले से ही काम करने का एक मोल्ड तैयार होता है। GTPL लेकर आया है डिजिटल केबल टीवी बॉक्स। हम दे रहे हैं ज्यादा नहीं बल्कि आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। आप संपर्क कर सकते हैं अपने केबल ऑपरेटर से या कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर। GTPL तमारी जी वगर भी। पिछले 25 सालों से हर तरफ घूमते आ रहा हूँ जी, और जब तक मैं घूमूंगा नहीं, हर एक स्टेट में जाऊंगा नहीं, लोगों को मिलूंगा नहीं, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश नहीं करूंगा, उसको मेरे रिसर्च में डालने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं नीड बेस्ड प्रोग्राम डिजाइन नहीं कर पाऊंगा। मैं जनरल सोशल एक्टिविटी एसेस सोशल एक्टिविटी नहीं करता हूं। मैं पहले रिसर्च करता हूं, लोगों को मिलता हूं, नीड को असेसमेंट करता हूं, और जो जरूरत होगी उसके हिसाब से मॉडल डिजाइन करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा हरदम ये घूमना रहता ही है, और ये घूमने के बाद में हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। इसके लिए ये हम घूम रहे सब तरफ। अब बेसिक पर्पस की बात बताइए तो खास करके आपके 2-3 मिशन लेके निकले हैं जी। जी, क्या क्या मिशन? हमारे मिशन ये है कि सबसे पहले तो डिक्लाइनिंग ऑफ सेक्स रेशियो इन दिस कंट्री, जो आज सब तरफ बात की जा रही है। हम लोगों ने 1993 में ये इशू लेके महाराष्ट्र में घूमे,
93 में मैंने महाराष्ट्र में जैन कम्युनिटी का पहले सर्वेक्षण किया, 50,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया, उसके सब अनुमान मैंने कंप्यूटराइज किए और उस पर से मुझे पता चला कि जैन कम्युनिटी में 21% लड़के शादी ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तब तक उनको लड़कियां शादी के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सेक्स रेशियो इस देश में कम हो रहा है लड़कियों का, उसका टोटल कैलकुलेशन हमने 93 में किया था। उसके बाद में हमने फोकस प्रोग्राम डिजाइन किए, हमने पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाकर, मैं पूरा महाराष्ट्र पैदल घूमा उसके लिए, वॉक कंप्लीट ऑन फुटिंग, एक सेकंड गाड़ी को टच नहीं किया, 6 महीने पहले प्लान करके 3-3 महीने का पदयात्रा मैंने किया और जैन कम्युनिटी को अवेयर किया कि अगर आप अभी से अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो आने वाले 20 साल के बाद हमारी परिस्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है। आज हमारे 20% लड़के शादी नहीं कर सकेंगे आने वाले 10-20 साल में, क्योंकि लड़की नहीं मिलेगी। जैसे ये इशू के ऊपर हमने किया और अभी 20 साल बाद वापस मैंने जब सर्वेक्षण किया 25,000 परिवारों का महाराष्ट्र में, तब मुझे ये पता चला, ये कहने में खुशी हो रही है कि 93 के बाद अभी 93 में हमारे महाराष्ट्र में जैन कम्युनिटी का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कम महिलाओं का था और परसों के सर्वेक्षण में जैन कम्युनिटी महाराष्ट्र में सबसे ऊपर है सेक्स रेशियो। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसके लिए हुआ क्योंकि लगातार वो प्रोग्राम के मॉड्यूल डिजाइन करके डेवलप करके हम लोगों के पास देते रहे। सेम ऐसा ही एक मॉड्यूल आज इस देश में सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे सेंसस में लोग कहते हैं भारत में यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जैसे भारत देश में यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये बात 100% सत्य है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात भारत देश के लिए काफी डेंजरस है, ऐसा मैं समझा। 0-6 ये 6 साल की एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये 15.47% है पूरे देश नेशनल वाइज। ओके और नेशनल वाइज ये 15.47% जो पॉपुलेशन है, उसमें अगर हम हर एक स्टेट की अलग अलग देखेंगे, महाराष्ट्र की क्या है, गुजरात की क्या है, वेस्ट बंगाल की क्या है, तो गुजरात की इसमें केवल 10% है। ओह माय गॉड, मतलब अगर 0-6 ईयर के बच्चे अगर नेशनल लेवल के सेंसस में 15.47% है तो गुजरात के केवल 10% है। इसका मतलब जनरल सभी स्टेट से गुजरात 33% लेस है। ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अहम पॉइंट है। ये सर्वे तो आपने कर लिया, ये मतलब ये मेरा सर्वे नहीं, ओके, लेकिन इसके बारे में इसको कैसे इससे जागरूकता की जो आपने फैलाने का काम किया जी, आप जहां पर भी जाते क्या संदेश इस रिपोर्ट में। और एक बात ऐड करना चाहूंगा फॉर जैन कम्युनिटी, क्योंकि मैं जैन कम्युनिटी के दौरे कर रहा हूं और जैन कम्युनिटी के अंदर बोल रहा हूं, गुजरात स्टेट में टोटल स्टेट वाइज सभी कम्युनिटी मिलके 10% है ये एज ग्रुप, लेकिन जैनों में तो ये 9% है। मतलब पूरे इंडिया में जैन सबसे ज्यादा कम है कि ये परसेंटेज में सबसे ज्यादा कम परसेंटेज जैनों का है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा फेस हो रही है। और रीजन आपने इतना स्टडी किया है तो क्या रीजन भी जैन कम्युनिटी में 9% जी, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ऐसा है कि पहले अगर आज हमारे कम्युनिटी के कोई भी 80-90 या 70 ईयर्स के अगर लोग रहेंगे, उनको अगर आप पूछेंगे, मैं हर मीटिंग में जाके पूछता हूँ, डायस से पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे कितने भाई बहन थे, तो लोग बोलते हैं 6 भाई थे, 5 बहने थे, 10 लोग 11 लोग 12 लोग उनके परिवार में भाई बहन थे, ऐसे लोग बोलते थे। हमारे 50 एज ग्रुप के अगर लोगों को मैं पूछूं कि तुमको लड़के कितने हैं, तो बोलता है एक लड़का एक लड़की, इससे ज्यादा नहीं बोलते हैं। और अगर अभी यंग जनरेशन को मैं पूछूं 20-25 साल की, तो वो तो बोलते हैं हम शादी 30 साल के बाद करेंगे और उसके बाद 5 साल वेट करेंगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे और फिर इशू के बारे में। ये जो 3 जनरेशन का शिफ्ट है वो इतना नीचे जा रहा है कि ग्रोथ रेट जैन कम्युनिटी का एज पर सेंसस 0.05% जैन कम्युनिटी थी 1991 में, 1981 में, और 91 में 0.04 हो गई। सो 25% जैन कम्युनिटी 20% 10 साल में रिड्यूस हो गया। एक तरफ से ग्रोथ रेट कम है, दूसरी तरफ से फर्टिलिटी रेशियो 15 महिलाओं के पीछे 10 बच्चे जन्म लेते हैं, 10 महिलाओं के पीछे 15 बच्चे जन्म लेते हैं, ये जैन कम्युनिटी का सेंसस रिपोर्ट होता है। શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ
જૈન સમાજ દ્વારા ચાલે છે તેને મળતા બધા જલા મળો જોઈએ, જેનો લાભ સમાજના દરેકે દરેક વર્ગને પણ મળી શકે. વધુ વાત કરીશું આના કપરે પર. GTPL लेकर आया है डिजिटल केबल टीवी बॉक्स. हम दे रहे हैं ज्यादा नहीं बल्कि आपकी उम्मीद से भी ज्यादा. आप संपर्क कर सकते हैं अपने केबल ऑपरेटर से या कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर. GTPL તમારી જીત વગર ભી. उसमें हिंदुस्तान का हर एक लड़का जी, आप भले ही जैन संगठन के स्थापक है, अध्यक्ष है, अलग अलग विविध संस्थाओं में आप काम करते हैं जैन के लिए, लेकिन आपका फोकस रहता है कि हर एक सोसाइटी का हर एक बच्चा अच्छा एजुकेशन जी. स्कूल इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, खास करके स्कूल की क्वालिटी जो इम्प्रूव करनी है उसमें क्या क्या सुझाव होने चाहिए. आपने अंडमान निकोबार गोवा में स्टेट में स्कूल्स भी आपने अडॉप्ट किए थे, वहां पे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की अलग अलग सिस्टम भी आपने इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट भी आपने देखा. क्या लगता है आपको कि गुजरात में भी, आपने गुजरात का भी सर्वे किया हुआ, गुजरात में भी जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें भी क्या क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या आप करना चाहते हैं जी. ऐसा है कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने में काम कर रहे हैं जी, क्योंकि जैन समाज की 2500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस देश में है. हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर विदाउट चेंजिंग सिलेबस, विदाउट चेंजिंग टीचर, विदाउट चेंजिंग सिस्टम, हम उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. मुझे एक दो एग्जाम्पल चाहिए. जैसे कि आपने बताया कि अंडमान निकोबार गोवा, ये दो स्टेट में आपने काम किए थे, वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आपने इम्प्रूव किया, रिजल्ट भी आपको मिला, फीडबैक भी मिला अच्छे. क्या क्या ऐसी माइनर पॉइंट्स थे जिसको थोड़ा बदलने से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल जाता है. ऐसा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको एम्पावर करने की जरूरत होती है. ओके, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकर्स. ओके, इन केस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर डिसीजन मेकर्स. सो वी हैव डिजाइंड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स टू एम्पावर देम टू टेक डिसीजन. ओके ओके, उनके लिए हम काफी सारी बात में दूसरी तरफ क्या चल रहा है, आप कैसे कंप्यूटराइज सिस्टम हम उनको बना के देते हैं कि ये सिस्टम से अगर आप गए तो आपको एक मिनट में सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. हम दूसरा स्टेक होल्डर होता है इंस्टीट्यूशन, हम इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करते हैं. जैसे कॉलेजेस में नेक एक्रेडिटेशन है, वैसे स्कूल में हम लोगों ने 6x6x6 216 पैरामीटर कवर करके एक्रेडिटेशन का एक मॉड्यूल बनाया है. ओके, और जो मॉड्यूल हम वहां इंप्लीमेंट करते हैं तो पता चलता है कि वो संस्था का स्वेट एनालिसिस क्या है और वो इंस्टीट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने की कोशिश करते हैं. तीसरे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं कि स्टूडेंट का हम एक्रेडिटेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट है, करियर गाइडेंस है, उनको कौन से फील्ड में दिलचस्पी है उसको बचपन से आइडेंटिफाई करना ताकि वो राइट ऑप्शन चूज करे. ये सारी चीजें हम बच्चों के लिए करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और उनको हम कंप्यूटर के माध्यम से मैक्सिमम वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से. तीसरा होता है, चौथा होता है टीचर्स. टीचर तो हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम कहते हैं कि टीचर चेंज करने चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस है, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो जो बात हो नहीं सकती वो बात सोच के कुछ फायदा नहीं है. हम जो
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रिसोर्सेस है उनको कैसा एम्पावर कर सकते हैं। तो टीचर के लिए हमने काफ़ी ट्रेनिंग है, टीचर के लिए काफ़ी सारी ऐसी बातें जो जनरल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं वो डिफरेंट छोड़ के जो अन्य लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो छोड़ के हम एडिशनल उनको एज अ कैप्सूल के माध्यम से क्या दे सकते हैं। तो ये हिसाब से हम हमारे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। हमका हमारा प्रोफेशनल ऑफिस है, 150 प्रोफेशनल्स वर्किंग अंडर दिस बैनर फॉर द एजुकेशनल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और सब करके मैं गुजरात पे आ जाता हूँ, फोकस करता हूँ खास करके गुजरात पे जी। आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं क्या आपने गुजरात में भी ये करने का मन बनाया है, क्योंकि यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गुजरात गवर्नमेंट। इफ गुजरात गवर्नमेंट इनवाइट्स यू डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर वर्क। इस दिशा में पहला कदम रख दिया। ऐसा है कि हम लोगों ने पहले तो जैन कम्युनिटी के स्कूल को शुरुआत किया अंडमान निकोबार की कैलेमिटी के बाद। वहाँ के गवर्नर ने हमको रिक्वेस्ट किया कि हमारी 400 गवर्नमेंट स्कूल है, आप उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करो। हमने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया, हमको गवर्नमेंट से पैसा मिले थे। पिछले 2.5 साल में हमको काफ़ी कामयाबी मिली। वहाँ से वहाँ के सेक्रेटरी गोवा शिफ्ट हो गए तो हमने गोवा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। 1700 स्कूल की क्वालिटी हम पिछले 6-8 महीने से चेंज कर रहे हैं। उधर भी हमको काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बुला के लिया। शिवराज पाटिल साहब ने होम मिनिस्टर बीइंग इंचार्ज ऑफ इंडियन टेरिटरी, उन्होंने काफ़ी 2-3 घंटे हमारा प्रेजेंटेशन देखा और ये समझ के लिया कि ये एजुकेशन में अच्छे मॉड्यूल्स हैं। उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट को लिखा और एचआर डिपार्टमेंट ने हमको बुला के सब मॉड्यूल्स का प्रेजेंटेशन देखकर, हमारे पूना में उनके सीनियर लोग आकर उन्होंने देखकर जो जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे कंट्री में है उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट का एग्रीमेंट हमारे साथ किया। अब 3 जगह पर हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का काम हम पिछले 2.5 साल में कर रहे हैं। जैसे जैसे इसमें कामयाबी मिल रही, कम से कम 7-8 राज्यों के लेटर्स एजुकेशन डायरेक्टर्स के वगैरह हमको आ रहे हैं कि ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए आप हमारे स्टेट में भी आइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, स्टेट के एजुकेशन के डायरेक्टर को जाके मिल रहे हैं, वहाँ की एजुकेशनल सिस्टम को समझ रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में वो स्टेट के क्या क्या चेंजेस हमको करने पड़ते हैं मॉड्यूल में वो करने की कोशिश करते हैं। वैसे गुजरात के डायरेक्टर्स लेवल पे हमारे कुछ लोगों की 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं और गुजरात में जो भी 55,000 और कुछ स्कूल्स गुजरात स्टेट में हैं तो हम लोग रियली इंटरेस्टेड हैं कि गुजरात या छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ स्टेट हम ले कि जहां हम 3 साल लगातार मेहनत करके वहां के स्कूल की क्वालिटी, वहां के सभी स्कूल्स का एक्रेडिशन, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, ये सब करने का काम हम कर रहे हैं। और हम ये करते समय गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं। मीन्स आप जो सर्विस देते हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। शानदार जी, मैं वापस आ जाता हूँ जैन कम्युनिटी, आप उनके उत्थान के लिए बहुत सारे आपने पूरा विजन आपका बहुत विशाल फर्क है आपका जी, कि आप पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम जी को इम्प्रूव करने की आप कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जैन कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि दे आर वेरी रिजर्व्ड। खास करके बारे में बात बताऊँ तो रिजर्व्ड इन द सेंस कि जैसे आपने बताया कि आप ऐसी अच्छी सोच लेके पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हो सकता है कि जैनिज्म जो है उसका प्रचार प्रसार सिर्फ 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 हिंदुस्तान में ही सीमित रह गया है जी। कुछ कायदे कानून ऐसे है ताकि जो भी संत समुदाय है, संत समाज है, वो कहीं बाहर जा नहीं सकते क्योंकि उनको सिर्फ चल के जाने की, क्या इसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता आप मानते हैं? मैं तो बहुत छोटा लड़का हूँ, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ना ही मैंने कोई धार्मिक फील्ड में काम किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे पैदल चाहे चाहे मोटर से जाए, आज 10,000 साधु संतों की जो पैर में चप्पल न पहनते हुए इस देश में अहिंसा, प्रेम और शांति का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो ताकत इस कंट्री में, इस विश्व में जैन कम्युनिटी के पास है वो अन्य कोई कम्युनिटी के पास नहीं है। 10,000 निस्वार्थी लोग पैदल में पैर में चप्पल न पहनते हुए इस देश में घूमते हैं, सवाल वो नहीं है। सवाल ऐसा है कि हमारा देश ये लोगों का उपयोग कैसे करके ले सके। सवाल ये है कि हमारी सब कम्युनिटीज ये जात पात का सब बात छोड़कर, ये सब बंधन छोड़कर हम ये अहिंसा, प्रेम, शांति के लिए इस देश की जो आज सबसे ज्यादा जरूरत है उसके लिए हम ये साधु संतों का 10,000 लोगों का उपयोग कैसे करके लेवे, ये हमारे सामने सवाल है और उसके लिए हम लोग मॉडल बना रहे हैं। दूसरी बात होती रहती है कि जैन समाज बहुत सारे पैसे देते हैं जी।
सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी हो जी, जो भी, जैसे आपने बताया कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी जैन समाज बनाता है जी, कोई संगठन बनाता जी, उसका फायदा हर कम्युनिटी के लोग लेते जी। लेकिन बार बार ये कहा जाता है, जैन समाज में से भी एक आवाज उठी थी कि मंदिरों में, खास करके मंदिरों में जिस तरह से पैसा बढ़ाया जाता है, क्या आप उसमें रोक लगना चाहिए? आपकी पर्सनल सोच है? नहीं, ऐसा है कि जो चीज लोग धार्मिक भावना से करते हैं उनको तो उनके हिसाब से करने के लिए कहीं पे लिमिटेशन होनी चाहिए। आपने सवाल पूछा, मैं आपको एक सेकंड में जवाब देता हूँ कि ये जो अपने भावना से करते हैं उनको अपने भावना से करने देना चाहिए। सिर्फ जो मंदिर के डेफिनेशन में, मंदिर यानी भगवान का मंदिर और मानवता का मंदिर, ये दोनों मंदिर साथ में हो गए, मंदिर के साथ में स्कूल जुड़ गए, तो पूरे देश का कल्याण हो सकता है। जो कर रहे हैं वो करने दो, उनको काम की व्याप्ति बढ़ानी चाहिए। तो डेफिनेटली एक विधायक काम पूरे देश में हुआ खड़ा हो सकता है। एक बेस्ट मिशन लेके आप निकले हैं, खास करके वक्त बहुत कम है जी, अगर आपसे बैठे तो मुझे लगता है पूरा दिन कम पड़ेगा। लेकिन खास अंत में मैं कहना चाहूंगा जी, अभी भी क्योंकि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, खास करके जैन से, आपने बताया डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको क्या लगता है कि अभी भी स्टिल व्हाट आर द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द नेशन। सर, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जैन कम्युनिटी की आबादी बढ़े 0.4% रहने दो, 0.4% रहने दो, लेकिन ये लोगों में इतने रिसोर्सेस, इतनी ताकत और इतनी हिम्मत है कि हम लोग एक अवेयरनेस के प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले 10 साल में जैन समाज इस देश में सोशल क्रांति करे और एजुकेशनल क्रांति करे। आने वाले 10 साल में हम प्लान्ड वे से, प्रोफेशनल वे से इस देश में पूरे जैन समाज के माध्यम से शैक्षणिक क्रांति, एक सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं, जिसका इस देश को उपयोग होगा। मॉरल एजुकेशन की जो इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरत है, उसके बारे में जैन समाज अगवानी करेगा और हमारे देश का नागरिक जो बन रहा है वो सक्षम नागरिक बने, ना केवल एजुकेशन के हिसाब से बल्कि मॉरल के हिसाब से भी वो सक्षम बने। ये काम जैन समाज का फाउंडेशन का काम चल रहा है। फाउंडेशन का वक्त बहुत कम है, अगेन एक एक छोटा सा सवाल जी। ज्यादातर बिजनेस के साथ रिलेटेड ये कम्युनिटी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जुड़ी हुई ये कम्युनिटी जी, कहाँ पे भी डोनेशन की बात आती है सबसे पहले जैन कम्युनिटी आगे रहती है। बिल्कुल, कई बार ये अंदर से भी आवाज उठती है जी, कहीं पे आपको लगता है कि डिफेंस सर्विस जो भी है हमारी जी, जैन कम्युनिटी के जो भी युवा वर्ग है जी, कहीं पे डिफेंस सर्विसेज में उनका लगाव कम है? हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल व्यापार, ट्रेडिशनल बिजनेस, बिजनेस ओरिएंटेड एक कम्युनिटी, और बिजनेस ओरिएंटेड रहने की वजह से उनके 10-10 पीढ़ियों से अगर लोग बिजनेस करके आ रहे हैं तो हर एक बात एक एक ग्रुप ने डिस्ट्रीब्यूट करके लेनी चाहिए। हो सकता है कि डिफेंस में या बाकी, व्हाई डिफेंस, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सेक्टर्स वेयर जैन कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे तो 100 सेक्टर्स है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की जो उनकी शुरुआत है, जो उनका ट्रेडिशनल वे है, उसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। नाउ दे आर चेंजिंग, दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग, अभी प्रोफेशनलिज्म में आ गए, अभी इंडस्ट्रीज में आ गए, अभी शेयर मार्केट में आ रहे हैं। नाउ दे आर चेंजिंग, इंडस्ट्रीज में भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, और यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। थैंक यू वेरी मच शांतिलाल जी। दर्शक मित्र जो दे प्रमाण शांतिलाल जी अलग है, विजन लेने आवेला छे, एक डिफरेंट, एवं नदी के फक्त तेमनी कामगिरी छे फक्त जैन समाज माटे छे, परंतु तेमनु जे पण कार्य छे समग्र हिंदुस्तान मां ભારતીયો જેટલા પણ છે તે દરેકે દરેકને કામમાં આવે તેવી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે। વે વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ કે આપણે જે પણ મિશન છે તેની અંદર આપને ખૂબ જ સફળતા મળે। દર્શક મિત્રો, ફરી વાર મળીશું આવતા એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે। ત્યાં સુધી મને શાંતિલાલ જી રાખશો। થેન્ક યુ વેરી મચ।